नाउ so स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि हाउ गूगल एडसेंस वर्क सो सबसे पहले यह समझें कि दो टर्मिनोलॉजीज आपने दिमाग में बिठानी है एक पब्लिशर एक एडवर्टाइजर एडवर्टाइजर जो है दैट इज कॉमन बिटवीन गूगल एडवर्ड एंड एडसेंस पब्लिशर क्या चीज है यह साल लफ्जों में आपको समझाता हूं पब्लिशर वो बंदा या बंदी है जो ऑनर है किसी वेबसाइट का गूगल सर्च इंजन का नहीं बिजनेस का नहीं वेबसाइट का इसका मतलब है वी नीड अ वैलिड डोमेन अ रनिंग डोमेन टू बी अ पब्लिशर आसान लफ्जों में आपको एक रनिंग वेबसाइट चाहिए टू बी अ पब्लिशर द वे इट वर्क इज के फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है उस पर आपका कंटेंट लिखा हुआ तो एज अ फर्स्ट स्टेप पब्लिशर ने यानी वेबसाइट के ओनर ने यह डिसाइड करना है कि उसने गूगल एडसेंस कहाँ पे लगाना है इसका मतलब यह है कि वो पहले वेबसाइट के ऊपर कुछ स्पेस अवेलेबल करेगा ताकि वहां पे वो एड प्लेस कर सके खुद ही प्लेस कर सके गूगल ने आके प्लेस नहीं करना मतलब यह है कि कुछ एच का कोड होगा वो वेबसाइट में इंसर्ट करते हैं हम लोग तो एडसेंस चलना शुरू होता है दैट्स पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू ये डिफरेंट था एडसेंस में और एडवर्ड में अब लेट्स डिस्कस के एडवर्ड में और एडसेंस में कॉमन क्या है दोनों में कॉमन है बिडिंग बिडिंग से मुराद ये है कि जो एडवर्टाइजर है जो कंपनी है वो बिड करती है अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड ताकि वही एड दोबारा सर्च में आ सके या वही वो एड उस एड स्पेस में डिस्प्ले हो सके जो पब्लिशर ने अवेलेबल किया है तो बिडिंग प्रोसेस इज कॉमन लेकिन स्पेस बनाना वेबसाइट के ऊपर वो डिफरेंट है ये बेसिक्स हो गई उसके बाद इसका बिटिंग का प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जो एडवर्ड का है तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट जस्ट टू रीकैप ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट लेट्स सपोज अगर है वेदर से रिलेटेड तो वेदर से रिलेटेड एक एडवर्टाइजर नहीं होगा जिसने यू नो गूगल को पे कर रहा होगा एडवर्ड के अगेंस्ट या एड के अगेंस्ट दे विल बी जिलियन ऑफ देस तो गूगल को यह डिसाइड करना है कि कौन सा एड मेरी वेबसाइट पे एज अ वेबसाइट ओनर दिखाना है तो जो बिड में टॉप पे आएगा उसका एड डिस्प्ले हो जाएगा एज सिंपल एज दैट उसके बाद जो पब्लिशर है अभी समझिएगा तो यह थोड़ा फर्क है कि अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि जो पब्लिशर है जो वेबसाइट का ओनर है वो पैसे कैसे कमाएगा वो पैसे ऐसे कमाएगा कि मेरी एक वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने वेदर से रिलेटेड कंटेंट डाला तो उस वेबसाइट के ऊपर एडसेंस चलना शुरू हो गए अब एक यूजर आया मेरी वेबसाइट को मेरी वेबसाइट पे उसने लैंड किया किसी तरीके से सर्च करके किस तरीके से मेरी वेबसाइट पे कुछ एडसेंस चल रहे थे कुछ एड चल रहे थे जैसे ही कोई यूजर मेरी वेबसाइट पे जो एड चल रहे हैं एड सेंस के उस पर क्लिक करेगा ना तो आई विल गेट पेड मतलब यह है कि उस क्लिक करने का मकसद यह है या उस क्लिक करने का आ, रिजल्ट यह है कि मेरा कॉन्टेंट इतना रिच है कि लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं और मेरी वेबसाइट के थ्रू आखिरी पॉइंट मेरी वेबसाइट के थ्रू उस कंपनी की वेबसाइट पर जा रहे हैं उस एडवर्टाइजर की वेबसाइट पर जा रहे हैं जहां पे एक्चुअली प्रोडक्ट पड़ा हुआ है कोई मतलब यह है कि मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है आई हैव टू इंक्रीज अ ट्रैफिक तो जितनी ट्रैफिक ज्यादा होगी उतने एडसेंस के थ्रू क्लिक ज्यादा होंगे जितने क्लिक ज्यादा होंगे उतना रेवेन्यू मुझे एज अ वेबसाइट ओनर ज्यादा मिलेगा अब हम ये देखते हैं कि रेवेन्यू कैसे आएगा अब एडसेंस भी काम करता है कॉस्ट पर क्लिक यानी सी मॉडल के ऊपर अगेन ये कॉमन चीज है बिटवीन एडवर्ड एंड एडसेंस जो एडवर्टाइजर है यानी जो कंपनी है वो गूगल को पे करती है पर क्लिक अब यहां पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है एडवर्टाइजर तो पे कर देती है गूगल को पर क्लिक एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर जो हमने कंपेन में देखा था उस एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर का सिक्सटी एट परसेंट पब्लिशर को वेबसाइट ओनर को मिलता है जब कोई यूजर मेरी वेबसाइट यानी मेरी वेबसाइट वेदर से रिलेटेड थी मेरी वेबसाइट पे जब कोई यूजर आके क्लिक करेगा और एक्चुअल पब्लिशर एक्चुअल कंपनी की या एडवरटाइजर की वेबसाइट पे जाएगा तो जो भी अमाउंट कंपनी ने कमिट की थी गूगल को पे करने की लेट सपोज एक डॉलर था तो उसका सिक्सटी एट परसेंट मुझे मिलेगा एज अ वेबसाइट ऑनर ये मेरा रेवेन्यू है और मैंने कुछ पे नहीं किया मैं एज अ वेबसाइट ओनर हूं आई हैव स्पेंड नथिंग एक्चुअली मैंने सिर्फ एक डोमेन ली है मैंने कंटेंट डाला है वेबसाइट में दिस इज इट मतलब ये कि अगर जो पब्लिशर है जिसका एड मेरी वेबसाइट पे चलना है एडसेंस चलना है मेरी वेबसाइट पे वो उसने कहा जी मैं एक डॉलर दूंगा उसकी जो बिड थी मैक्सिमम बिड थी वन डॉलर टू पे गूगल और बिड में उसका जो एड है वो टॉप पे आ गया फॉर एग्जांपल तो एडसेंस में जो जो पब्लिशर का शेयर है दैट इज पॉइंट सिक्स एट पर वन डॉलर यानी सिक्सटी एट परसेंट कह लें और जो रिमेनिंग थर्टी टू परसेंट है वो गूगल के पास जाएगा तो नाउ यू कैन सी कि गूगल कैसे रेवेन्यू अर्न कर रहा है गूगल रेवेन्यू अर्न कर रहा है उसी पैसों से अपना कट रख के जो उसको कंपनीज दे रही हैं और कंपनीज पैसे क्यों दे रही है रीजन एक्स में कि जो अगर मेरी वेबसाइट का कंटेंट रिच है तो मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा होगी हो तो इसका मतलब ज्यादा होंगे और अगर मेरी वेबसाइट पर तो उसके दो मतलब हैं. एक तो मैं रेवेन्यू कमा रहा हूं एज ए वेबसाइट ओनर फॉर एग्जाम्पल एज अ ब्लॉगर फ्री ऑफ कॉस्ट दैट्स वन एडवांटेज विच आई कैन अर्न जो तो उसका दूसरा एडवांटेज है वो इससे बड़ा है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिशर है जो एडवर्टाइजर है उसको एक हेल्दी पोटेंशियल यूजर उसकी वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट हो रहा है यानी उसको एक मार्केट मिल रही है मेरी वेबसाइट के जरिए जो उसके प्रोडक्ट को रीच कर रही है उसके प्रोडक्ट के ऊपर लैंड कर रही है रीजन के एट द एंड ऑफ द डे चाहे एडसेंस हो चाहे एडवर्ड हो एड वही नजर आते हैं जो पब्लिशर पे कर रहा है बिडिंग के जरिए गूगल को सिर्फ फर्क ये एडसेंस में ओनर ऑफ द वेबसाइट को पैसे जाते हैं सिक्सटी एट परसेंट और थर्टी टू परसेंट जाता है गूगल को और जो एडवर्ड है उसकी अंदर पब्लिशर जो है वो डायरेक्टली पे कर रहा होता है गूगल को उसमें ओनर के पास नहीं कुछ जा रहा होता यानी वेबसाइट क्योंकि उसमें होती ही नहीं है तो उसमें डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट होती है इंटरमीडिएटरी कोई नहीं होता यानी जैसे मेरी भी वेबसाइट है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉगर है तो ये इंटरमीडिएटरी है इंटर यानी ये एक्चुअल कॉन्टेंट या जो एक्चुअल कंपनी का डेटा है और यूजर है उसके दरमियान इंटरेक्शन करवा रही है वो इंटरेक्शन करवाने का अपना कट रख रही है सिक्सटी एट परसेंट और वो कट क्योंकि उसी अमाउंट से आ रहा है जो पब्लिशर ने गूगल को दिया है तो थर्टी टू परसेंट of that amount will go to Google and 68% of that amount जो भी amount थी, for example एक dollar थी तो वो मेरे पास as a potential uh, website owner मेरे account में automatically आना शुरू हो जाएगी जैसे ही मैं Google AdSense को configure करूँगा